नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। गोवर्धन में नैनू पट्टी के शहीद पुष्पेंद्र सिंह के गांव नगला खूटिया और नगला घड़ी बिस्सा नगला भाऊ में जगह जगह मच्छर पनप रहे हैं। वे किस तरीके से मच्छर जमा हुए पानी पर मंडरा रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई मच्छर नाशक दवा का छिड़काव हुआ है, ना ही वहाँ पर घरों के सामने गली मोहल्ले में इकट्ठे हो रहे पानी निकासी का कोई इंतजाम ग्रामीणों का रहना दूभर हो रहा है। बच्चों में संक्रमण फैलने का भय ग्रामीण महिला और पुरुषों को सता रहा है, क्योंकि बीते सप्ताह नैनूपट्टी के गांव हरजू को डेंगू और मलेरिया ने अपनी चपेट में लिया है। कहीं ये इन गांवों को भी अपनी चपेट में ना ले ले। यहां तो यही अपनी फिल्मी गाना सुनाना उचित है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं जब तक प्रशासनिक कार्रवाई हो कोई बड़ा अनहोनी ना हो जाए। जब इस संबंध में ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नैनूपट्टी के लिए जिसमें 22 गांव है केवल एक या दो बोतल दवा प्राप्त हुई है, जिसका 3-4 गांव में ही छिड़काव हो पाया है। चिंता की बात तो यह है कि नैनूपट्टी के 22 गांव को एक या दो बोतल दवा देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान नजर आ रहा है, जबकि नैनूपट्टी के हरजू गांव में संक्रमण से एक 5 वर्षीय बच्ची माधुरी की मृत्यु हो चुकी है और एक महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। आखिर CMO रचना गुप्ता द्वारा चिकित्सा अधीक्षकों को आदेश होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक मच्छर नाशक दवाएं क्यों नहीं छिड़की जा रही, अब यह तो प्रशासन ही बता सकती है।